पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज घर घर तिरंगा अभियान के तहत मुरादाबाद जनपद में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा हमारे देश की शान है, उस शान को हम मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। संभल के सांसद द्वारा तिरंगा यात्रा पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और उन्हें इस पर भी राजनीति करे, लेकिन ये हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के बारे में भी उन्होंने अब तक कराए हुए विकास कार्यों पर बात की, तो वहीं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव द्वारा अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर उन्होंने कहा कि प्रसपा सपा कांग्रेस और बसपा परिवार से आगे नहीं सोचती। नोएडा में भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी पर हुई कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा जो भी अराजकता फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवसर पर आज घर घर तिरंगा अभियान के तहत मुरादाबाद में एक तिरंगा यात्रा निकल रही है। तिरंगा हमारे देश की शान है और उस शान को हम लोग मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे, ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश केंद्र की सरकार। आप मंत्री जी, आज मतलब एक बयान भी आया वर्ग का, उन्होंने कहा है तिरंगा यात्रा जो है एक जो मैसी महंगाई है और उसको लेकर भटका रहे हैं लोग। तिरंगा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आजादी के 75 वर्ष में हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और तिरंगा हमारी शान है, हमारी शान का प्रतीक है। और उन लोगों को अगर इस पर कोई राजनीति करती है तो राजनीति करें, हमारा राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे देश की प्रतिष्ठा से मान सम्मान से जुड़ा है। सर, किस तरह की नई योजनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख मंत्रिमंडल के लोगों ने सभी 6 महीने 100 दिन 6 महीने 1 साल 2 साल 5 साल की पूरी कार्य योजना प्रस्तुत की है और हम लोग उन प्राथमिक विषयों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जो 100 दिन के काम हम लोगों ने 100 दिन के काम सारे पूरे किए और 6 महीने के काम लक्षित हैं, उनको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रहे हैं। सर, शिवपाल यादव ने जो है अपने परिवारवादी पार्टी है, वो अपने परिवार से आगे बढ़ के सपा हो प्रसपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, परिवार से आगे की नहीं सोचते। सरकार ने कार्रवाई, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई, सरकार कार्रवाई कर रही है, दंडात्मक कार्रवाई कर रही है, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसी भी को अराजकता करने की अनुमति कानून और शासन नहीं देगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।